हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तन्नू की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एग मसाला फ्राई। तो आओ शुरू करते हैं। अंडे, प्याज, टमाटर, मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर। तो ये तेल गरम हो चुका है, मैंने 3 चम्मच तेल डाला है। और ये 2 मीडियम साइज़ प्याज है, वो लाल हो चुकी है। अभी हम डाल लेंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये डालने से, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि कलर अच्छा आता है। और ये 4 मीडियम साइज़ टमाटर है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। नमक अपने अंदाजे से डाल दीजिए और इसे अच्छा हम चला लेंगे। थोड़ा पानी डाल लेंगे कि टमाटर गल जाए हमारा। अभी 10 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। 10 मिनट हो चुका है। टमाटर भी गल चुका है हमारा, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1/2 ग्लास से भी कम पानी है, कि हमारे जो मसाला है थोड़ा से गीला हो जाए। बस अभी हम ये एक एक करके इस पर अंडा फोड़ के डाल देंगे। ये मैंने टोटल 8 अंडे लिए हैं। अभी हम नमक इसके अंडे के हिसाब से इस पर नमक भी डाल देंगे। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ऊपर से डाल देंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे। स्लो आंच पे ही पकाना है, 10 मिनट में ही पक जाता है। तो आइए देखते हैं। पक चुका है, ये देखिए। ये ऐसे मैं चेक कर रही हूँ कि जर्दी पक गई है ना उसकी, अच्छे से जर्दी भी पक गई माशाल्लाह। तो एग मसाला फ्राई हमारा हो चुका है तैयार। और ये इस पर थोड़ी कोतमीर डाल दिया मैंने गार्निशिंग के लिए। तो आइए सर्व करते हैं। माशाल्लाह, ये आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी होता है और बहुत झटपट रेसिपी है। तो जब कुछ समझ में नहीं आए कि हम क्या बनाएं, तो ये ज़रूर ट्राई करना घर में। माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। और जब तक के खाते रहो खाते रहो खाते रहो।